top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. हमारा जो सरकार से समझौता हुआ है वो बिल्कुल ही असातीत है और नया विधेयक लाएगी सरकार जिसमें 14% और 5% को अलग अलग कर दिया जाएगा। विधेयक ऑलमोस्ट बन चुका है, इसकी तैयारियां हो रही हैं। इसके साथ ही नवी सूची में ये डाला जाएगा और तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसके अलावा मैं ये सोच रहा हूँ, राजस्थान में जब सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है, अन्य प्रांतों में भी जहां जहां हमें जरूरत है हम इस मुहिम को चलाएंगे। आज आपकी पहला आंदोलन था, अब कितने आगे आंदोलन होंगे मानसून सत्र में? आप जहां तक आंदोलन का ये जरूरी नहीं है कि आंदोलन ही किया जाए, किसी मुद्दे मुहिम को चलाने के लिए और भी तो बहुत रास्ते हैं। सरकार से बात करना, सरकार से इन बातों के ऊपर विमर्श करना और मुद्दे को सही ले जा करके उद्देश्य की प्राप्ति करना। कितने परसेंट की मांग कर रहे हैं सरकार से आप? हाँ, हमने तो 5% की मांग की है, 5% सरकार सहमत हो गई है, आपने भी देख लिया होगा। तो अब आगे से क्या रणनीति रहेगी? हम इंतजार करेंगे, जो है अभी जो सत्र आएगा विधानसभा का उसमें ये विधेयक पारित हो जाएगा और नवी सूची के लिए चला जाएगा। अगर इस कर्नल साहब के स्वागत की तैयारी में, कर्नल साहब के स्वागत के प्रोग्राम में कम से कम 8-10 स्टेट के लोग इकट्ठा हुए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आरक्षण की मांग की जा रही है, कितने परसेंट आरक्षण की मांग की जा रही है? जो आरक्षण राजस्थान में 5% का उन्होंने आश्वासन दिया मानसून सत्र में पास करके, वो केंद्र के लिए भेजेंगे। अब केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की भावनाओं को समझ के, उनकी स्थिति को देख के, जस्टिस चोपड़ा की रिपोर्ट को देख के, वो एसटी के शेड्यूल उसमें आते हैं तो उसमें उनको आरक्षण केंद्र में देना चाहिए, नौवीं अनुसूची में डालकर। नहीं, ये एनसीआर में यदि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार यदि बार बार धोखा दे रही है, जो इस बार धोखा दिया तो इस बार तो उसका तख्ता पलट होना ही होना है, पूरे एनसीआर के गुजर और पूरे 8-10 स्टेट के गुजर इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उनका राष्ट्र, 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 उनका रा
और पूरे देश के लिए नौजवान साथियों ने बहन बहन किया आए जमाए आपको सारी बातें बताऊंगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो आज के डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी सवाल प्रति आपका प्रगतिशील या एडवांस कब मानी जाती है? और हमने लड़ा आरक्षण में भी लड़े लेकिन हमने हिम्मत नहीं आई, हम मीटिंग करते रहे। और मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, मेरा अनुभव जो मैं आपसे आपको बांटना चाहता हूं,